बेटी का प्यार एक दूसरे को जूते पहनाते हुए। चले चले नहीं ये बनाया, ये देखें माशाल्लाह से, ये मंजर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी जाना यहाँ से निकलते हैं घर। चले ये चीज़, ये पीर नसीरुद्दीन से ऐसा, वो दूसरे पीर सैयद सामउद्दीन गिलानी। तो बस जो भी हाजिरी जनती हाजिरी दिल्ली और अभी वापसी चलते हैं। जो है ना नानी और अम्मी से मुलाकात हो गई है और नाना भी आए हुए हैं। कैसे नाना? यह तो इस्लामाबाद वाले बने हुए हैं भाई। तो यहाँ पे मुलाकात कर ली है। काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे थे कि भाई मुलाकात नहीं हुई थी, आज फाइनली हो गई है। नानी भी आई है तो हम लोग दरबार पे आए हुए थे। इरफान भाई हमें लेके आए हुए हैं। इरफान भाई आपको पता है हमेशा हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। और नानी कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाना आपकी तबीयत ठीक है? अभी तो बाबा ये देखो कबरू शेर बने हुए हैं। लगता है यहाँ का पानी रास आ गया। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ तो सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये क्या कहते हैं, फैसल मस्जिद पहुँचने वाले हैं। सामने है फैसल मस्जिद। यहाँ से हम अगर लेफ्ट होंगे ना सीधा ही 11E11 से सादा सीधा गोड़ला। अच्छा, ये बारो बार वो बीचो बीच रास्ता है, लेकिन ये साफ सुथरा, ये शॉर्ट है और साफ सुथरा है, साफ सुथरा रास्ता है। अच्छा, ये दीदी सारे पोजीशन आ गए। अच्छा, सब 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 क्रीम, हां सब क्रीम है, रहती है भाई पूरी घर हरा हरा ना लो। हां ये भी है हरा इधर ही, ये पूरा सामने सामने है, बना कर हां सारे जानवर इसमें घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ यहाँ पे वो जब सितारा भी आई थी ना, हाँ वो दिखा रही थी मैंने। फैसल मस्जिद इस दिन आई थी ना। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम जब पहली दफा जब आप भी साथ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, होटल में फर्स्ट टाइम मिले थे। सही सही, तब वो यहाँ पे दिखाया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो गाड़ी एंटर हो रही है, जा रहे हैं गोलड़ा बाजार। और दिलबर को मैं लेके जा रही हूँ, कल जो है रास्ते बंद थे, सही नहीं था ना दिलबर कल, है ना? आज खुल गया है तो आज हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। चले वहाँ पे चलते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि गोलड़ा मज़ार पहुँच गए हैं। कल हम नहीं जा सके, रास्ता ठीक नहीं था, तो आज ही वहाँ पे जाके मिलते हैं। अभी दिए में एयरफोर्स का अपना एरिया भी है, और पुराने एयरपोर्ट वाली साइड पे हो गया, नेवी हाउसिंग होंगे ये। हां नेवी है। दूसरी पब्लिक भी तो फिर परेशान ना हो ना। सपने दे विच आया करमा, बस सपने दे विच आया करमा, तैनू जब भी पाके Oh,
मज़ार और बैठे रहे इधर, दिल भर अंदर चला गया है और मैं अभी जा रही हूँ। और मुझे काफ़ी एक 15-20 मिनट हो गए बैठे रहे, फिर अभी जो है हम जा रहे, कवाली हो रही थी तो वहाँ बैठे रहे हम। तो जी अभी हम अंदर आए हैं और बैठे हैं इधर, नमाज पढ़ेंगे सारे। नमाज का वजू कर रहे हैं। दिलबर जो है वीडियो बना रहे हैं और नमाज का वजू कर रहे हैं, अम्मा भी है साथ में और दिलबर में भी जाना, अभी जाना, अम्मी भी जाना, नमाज का वजू करिए यहाँ से। ये पानी इतना ठंडा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। तो नानी ये खड़ी हुई है, अम्मी वो है, वो साथ में है, नमाज वजू कर रही। चलें तो अभी हम जा रहे हैं, अम्मा भी है, चाचा भी है साथ में और हम बोला मज़ार आए थे, अभी बैठे रहे काफ़ी देर, फिर उसके बाद जो है घर जा रहे हैं। सारे इधर ही खड़े हैं, अम्मा भी है साथ में, अम्मा मैं मिलने आई थी। अच्छा अच्छा अभी हम वापस जा रहे हैं मोहल्ला बाजार से और वापस जा रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ताला, ये नानी नाना को लगा पहले मदीना शरीफ ना, मदीना शरीफ ऐसे बड़े बड़े ताले लगा के गेट को हर दिल पर कह रहा है ताला नाना को लगा दे अम्मा, हाँ इसको लगाएंगे। जूते लेते हैं और चलते हैं, बस भला भला मिलाना, बस बस मैं उठा ली, हां बस पीछे से मिल के चले, हां बस इतना खूबसूरत लग, बादल आए हुए हैं और इतना बादल है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत जगह है ये वाली गोलड़ा मज़ार। माशाल्लाह बादल देखिए, हां होटल पर ना दो तो ये देखिए गोलड़ा मज़ा, बहुत ही प्यारी जगह है और ठंडा मौसम हो गया, बादल आ चुके हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं। जिलानी उसका बेटा पीर नसीरुद्दीन का एक बार मिले था से ओडी मदीना हराम पीर नसीरुद्दीन दा बेटा हूं उनकी शक्का ले दे, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, हां भाई है बेटा,
बैठे हो? अच्छा हाँ वो बैठे, वो बैठे हो वहीं वासा मैं ना वो जो उत्ते बैठा हूँ। अच्छा ए ए ऐसा हो रही ना वो सतावीज रात। तो ये हमारे भैया कॉपी है, पूरी कॉपी है ये जी। आज सब जा रहे हैं हाँ। ए पीर देख मेरे लिए शादी शक्ल खुद वेनू है मेरे घर को पीर अब्दुल हक सही है लिखा करे वो तो क्या कहते हैं भूंदी शक्ल थी ज्ञान बिल्कुल हाँ बिल्कुल उसी की शक्ल हो पीर ए नसीरुद्दीन पीर नसीरुद्दीन ये है। अम्मा को पता नहीं है तो पूछ रही हैं और अम्मा को पता है वैसे आती रहती हैं और जो है ना अभी उनके जो भाई हैं वो भी उनकी शक्ल में हैं तो पता नहीं चल रहा। ये गोलड़ा मज़ार की जो है बाजार है यहाँ पे और यहाँ से जो मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं यहाँ से वो है और अभी हम जा रहे हैं। ये तू मिठाई वगैरह गिनो दिलबर मिठाई वगैरह गिदे गिनो अली त्रै त्रै जड़ी जीरा सोला बुलाई दे हमसे जो चक्कर लाग बंदे पता है गिदे नहीं वो मखाने शिकाने लेने तो बोल हां वही कह रहे ले लेते हैं ना फिर वापस पता नहीं नसीब की बात है। फकी फकी लेनी है मां हां फकी ले ले अब वो पढ़िए सारी हर जगह पे है आज हाँ देश से जितने हैं बंदे हैं एक देश में है कि नहीं घर भी दे उन्हें एक भाई के घर भी बेच देना और फूलों की टोकरियाँ देखिए इस तरह से मिठाई ले ये वाली बड़ी ले लो ना बहुत सी फक्की है बहुत अच्छी फक्की गोलड़ा शरीफ चाहिए ये वाली हाँ ये वाली ये कितने की है 150 600 की ये 200 की ये बड़ी है ना माँ हाँ इतनी महंगी क्यों है नहीं ये 400 या 200 की जो 400 चले हम ले लो ये वही है ये है हाँ और ये वो नहीं है ये बड़ी है ना इसलिए वो छोटी आप वही ले लो अम्मा वो फर्क है ठीक है कौन सी लेनी है फक्की ले रही अम्मा हाँ ये भी ले लेते हैं एक और भी मैं गिनती पे आप कौन सी ले रहे हो ये वाली लो ना अम्मा ये वाली से बड़ी मैं ला के देती हूँ आपको आप ये वाली लो नहीं नहीं ये वाली है ये मैं लेती हूँ ना ये दो ले रही हूँ मेरे पास हैं पैसे छोड़ो आप देखो अब अभी एक जो है अम्मा के लिए लेंगे और एक मैं लूँगी ये वाली ये पाँच लगा नाम खा रहे तो अभी हमने ले ली है फक्की मैंने ली एक अम्मा ने ली है और दो ले ली है चले चलते हैं भाई गोलड़ा मज़ार की जो है ना बाज़ार है यहाँ पे बाज़ार है गोलड़ा मज़ार की और सब चीज़ें इधर से मिलती है और फ्रूट भी देखें और चूड़ियों वाली पे बैठे हैं आप भी बना रही हैं मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई ऐसे कर रही हो चूड़ियाँ भी आपके पास बहुत खूबसूरत रखी है हाँ बस
चलो जो आपने मुझे दुआ दी है पता है वो ही कबूल हो जाए। हाँ इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं जी। हाँ। होए 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 ऐसी अम्मा और मैं बैठे हैं पीछे और दिल पर भी बैठा है साथ में और अम्मा को लगी गर्मी तो गाड़ी बाहर खड़ी थी ना तो गर्म हो चुके हैं। हम काफ़ी टाइम बैठे रहे मज़ार पे तो इसलिए जो है वो गर्मी लगती है और आँखों में गर्मी लगती है वो हो जाता है दर्द हो जाता है जैसे गर्मी लगती है कोई नहीं। आंटी जी आपने यहाँ कराची की भी गर्मी देखी है ना सर्दी। हाँ जी जी यहाँ की भी सर्दी देखी है। कराची ठंडक है। हमने तो सऊदीया की सर्दी देखी है। हाँ। ये तो बहुत है सऊदीया में सर्दी आती भी नहीं है थोड़ी सी आती है 10-12 दिन आती बस आती ऐसे है कि बस। अंकल जी यहाँ पे आप सऊदीया से भी ज्यादा सर्दी देखेंगे। सऊदीया में नहीं होती सर्दी।